विधानसभा चुनाव 2023 में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के बैंकुंठपुर विधानसभा के उम्मीदवार भैयालाल राजवाड़े के नामांकन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। भूपेश सरकार के पास 40 दिन का राज बाकी है, 40 दिन बाद बोरिया बिस्तर बांध के जाना है। भूपेश को वापस जाना पड़ेगा, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है। करते हैं कि इस बार के चुनाव में बैकुंठपुर में प्रचंड बहुमत के साथ भैयालाल राजवाड़े, रेणुका सिंह जी भी और जायसवाल जी ये तीन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे, ये तय हो चुका है। ये जनता का वोट बता रहा है। अब वो उनकी उनको सर्वे रिपोर्ट मिल चुका है कि कुर्सी खिसकने वाली है, कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। 40 दिन का मुख्यमंत्री अब घोषणा भी करेगा तो कोई महत्व नहीं। भारतीय जनता पार्टी का अभियान चरम पे है, पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त माहौल है और पूरे बड़ा से बड़ा मीडिया हाउस, छोटा से छोटा मीडिया हाउस, सबके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बताते हुए दिख रहा है।